जितने भी स्टूडेंट्स जेई और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए देखिए एक प्यारा सा और ट्रिक है जो मैट्रिक्स से लिए हैं हम। यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो ए का पावर 5 क्या होगा? ट्रिक जो होता है वो पार्टिकुलर केस में ही अप्लाई होता है, ये नहीं कि हर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप। बात समझिए, ये क्या है, एक एस्केलर मैट्रिक्स है। एस्केलर मैट्रिक्स समझ लेना कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, है कि नहीं। इसमें क्या है कि ऐसा कंडीशन दिया गया है तो ए का पावर 5 का मान क्या होगा। पहले आंसर निकालने से सबसे अच्छा है कि कंसेप्ट सीख लिया जाए। देखिए कंसेप्ट ये है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, क्या चीज, ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए, एस्केलर मैट्रिक्स हो गया ये, जिसका जो क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स है ये है। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि ए का पावर एन निकालिए, ए का पावर एन निकालिए। देखिए आपको करना क्या है, सबका पावर एन कर देना है, जीरो 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 ए का पावर एन, जीरो 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 ए का पावर एन, ऐसे कर देना है। क्लियर? तो हम लोग यहां से ये लॉजिक अप्लाई करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 के पावर 5 लिखेंगे, ए बराबर 2 के पावर 5 जीरो जीरो जीरो, 2 के पावर 5 जीरो जीरो जीरो, 2 का पावर 5। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32 जीरो जीरो जीरो, 32 जीरो 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 32, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां आप इसे आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, जैसे ऐसा ऑप्शन में देगा आप बिना किसी टेंशन के टिक कर दीजिएगा। क्लियर?